यूपी पुलिस भले ही महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावे करे, लेकिन उसके खुद के ही विभाग की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मुजफ्फरनगर में एक महिला कांस्टेबल ने आरोप लगाया है कि उसके साथ कार्यरत एक कांस्टेबल ने दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। महिला के मुताबिक पुरुष कांस्टेबल लगातार एक साल से उसके साथ यौन शोषण कर रहा है। कांस्टेबल है केशव शर्मा, जो मतलब मुझे एक साल से शादी का झांसा देकर, मतलब ये जानते हुए कि मेरा तलाक होने वाला है, उसके बावजूद मेरे साथ रिलेशनशिप में रहा और ये कहा कि मतलब मैं तुझसे शादी करूंगा, तलाक ले ले। अब तलाक जब होने वाला है, मैंने उससे कहा कि अपने घर वालों को मनाने की बात कही तो उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया कि मैं तलाक के बाद भी तुझसे शादी नहीं करूंगा। तो उसने दूध में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया जिस, और फिर कहा कि मतलब चलो दूध पियेंगे, तो मैंने पी लिया तो फिर मुझे मतलब बेहोश हो गई। 3-4 घंटे बाद मुझे होश आया, तो मतलब मैं उस अवस्था में नहीं थी जिसमें पहले थी। आरोपी आरक्षी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है एवं तदनुसार शीघ्रताशीघ्र विवेचनात्मक कार्रवाई संपादित करते हुए साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।